कुछ साल पहले आपको याद होगा हिंदुस्तान में बहुत ही पॉपुलर इलेक्शन का स्लोगन था, गाना मान लीजिए वो, कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। ये पॉपुलर था, पर लालू जी ऑफकोर्स नो लॉन्गर रूल्स बिहार, बट द समोसा कंटिन्यूज टू रेन सुप्रीम ऑल ओवर इंडिया। हमको तो लगता है कि समोसा जो है यूनिकली फॉरएवर देसी है, भारतीय है, लेकिन खानाबदोश जो हम हैं घुमक्कड़ यात्री, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समोसा जो है वो कभी भारतीय नहीं था। पहले इट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। सोनल वेद जी जिन्होंने ये बेस्ट सेलिंग किताब लिखी है, हूज समोसा इज इट एनीवे, यानी ये किसका समोसा है भाई, दिस इज द स्टोरी इन हर बुक ऑफ वेयर इंडियन फूड रियली कम्स फ्रॉम। और ये हमें बताता है कि समोसाज आर नेम्ड आफ्टर समसा, द सेंट्रल एशियन पिरामिड, एंड द वर्ड एटिमोलॉजिकली डिराइव फ्रॉम द पर्शियन वर्ड सम्बोसाग, यानी कि साधारण लफ्जों में समोसा का नाम फारसी लफ्ज सम्बोसाग से आता है। अब समोसा हैज बीन रेफर टू एज सनबोसाग, सम्बोसाग ओवर द सेंचुरीज इन वेरियस कुक बुक्स ऑफ एशियन इस्लामिक ईरानियन लिनियज। ये सारे नाम जो हैं आर फ्रॉम एशिया एंड फ्रॉम यू नो द मिडल ईस्ट, एंड दीज नेम्स वर द प्रीडिसेसर ऑफ द ग्रेट इंडियन समोसा जो अभी छा गया है। आप मुझे बताइए, और ये चीज़ें जो हमें ढूंढनी हैं, कि इब्न बतूता ने कुछ हज़ार साल पहले समोसा को टेस्ट किया, उस वक़्त इतना पॉपुलर क्यों था। कहा जाता है कि इट वॉज कैरीड इन द सैडल बैग्स अक्रॉस ट्रेड रूट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया, बिकॉज देयर वॉज द ग्रेट सिल्क रूट। हाँ, सो द ट्रैवलर्स कमिंग ऑन हॉर्सबैक फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंडिया यूज टू कैरी इट एज अ फिलिंग स्नैक फॉर देयर जर्नी। वाई वॉज द समोसा सो पॉपुलर दैट इट वॉज अडॉप्टेड फॉर बैंक्वेट्स, बड़े खानों के लिए, बाय एम्परर्स लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, और उसमें आलू की भी फीलिंग्स होती थी, मीट की भी फीलिंग्स होती थी। अजी, वाई वॉज इट सो पॉपुलर दैट द ब्रिटिश कॉलोनीज हेल्प्ड मेक द समोसा अ रिवर्स जर्नी बैक टू इंग्लैंड थ्रू द आउटरीच ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। यानी कि जब कॉलोनीज बनी तो समोसे जो यहाँ पे आए थे वही समोसे ब्रिटिश के जरिए वापस ब्रिटेन चले गए। आप ये भी यकीन मानिए कि द इंडियन डायस्पोरा, आप देखिए अमेरिका में, मेड द इंडियन समोसा पॉपुलर इन अमेरिका। अब समोसा हिंदुस्तान में हर गांव में आपको मिलता है, कहीं भी आप जाएंगे समोसा, बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म समोसा, वो एक स्टार अट्रैक्शन है हर गांव में। लेकिन अमेरिका में भी इट इज़ द स्टार अट्रैक्शन एट अ डिनर पार्टी, यानी कि इवन प्रेजिडेंट्स ऑफ अमेरिका हैव सर्व्ड समोसा एट देयर बैंक्वेट्स। देखिए, आपने कभी सुना है परवीन वारसी जी का नाम? परवीन वारसी वॉज नोन एज द समोसा क्वीन ऑफ इंग्लैंड, एंड शी वॉज नेम्ड one of the 10 most remarkable women in England in 2005 by the British Confederation of Business Industries. Ab wo dusri baat hai that unfortunately she went broke some years afterwards. But there is a couple in Bengaluru today who have persevered and who have made samosa a business. Nidhi and Shikhar Singh. Unka brand brilliant naam hai, Samosa Singh. Samosa Singh ji jo hai India mein ek bestseller ban chuka hai. आप देखिए और उनके जो हैं समोसे ट्राई कीजिए, मुझे भी बताइए। मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ कि भाई अभी समोसा सिंह पैंडेमिक की बात कहाँ है। आप दुनिया का इतिहास बता सकते हैं समोसे के ज़रिए, बिलीव मी। हाउ फूड लैंग्वेज एंड हिस्ट्री इन्फ्लुएंस ईच अदर, और हमारा समोसा जो है दुनिया का समोसा है। खानाबदोश में और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको हम ज़रूर सुनाएंगे, लाएंगे। अगली कहानी, वेट फॉर इट, जलेबी की कहानी। जलेबी, जलेबिया, क्या वो भारतीय था? नहीं, फिर कहाँ से आया और कैसे खाया गया? क्लिक ऑन माई सब्सक्राइबर बटन और वो भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, एक बेहद मीठी कहानी।